कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सारे कांग्रेसी जो टिकट मांग रहे थे और जो घर बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए दिग्विजय सिंह का द्वार हमेशा के लिए बंद है। दिग्विजय सिंह ने कहा, इस बार का चुनाव गद्दार और वफादार के बीच में है, धन बल और जन बल के बीच में है। ट्रेड कानून बदलने पर भाजपा को निशाने पर लिया, वहीं दूसरी ओर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने किसी तरह का जवाब नहीं दिया और निकल गए। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। लड़ाई मजदूर और मालिक के बीच में है, गद्दार और वफादार के बीच में है, धन बल और जनबल के बीच में है। इसलिए साथियों, आपको मुझे इतना ही कहना था, ज्यादा भाषण मुझे देने की आवश्यकता नहीं, मुझे और भी जगह जाना है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का रात को मेरे पास शाम को फोन आया, कितने बजे किया होगा? 8 बजे और 9:30 बजे मैंने कहा चलो, मैं सुबह योगा करता हूँ 1.25 घंटा, आज मैंने योगा को त्याग दिया तुम्हारे यहाँ। इसलिए आप सब से मेरी प्रार्थना है, अब दुनिया भर में प्रचार मत करो, अपने मोहल्ले में करो, अपने घर में करो, और जो कांग्रेस से बीमार है उनसे कहो इधर जल्दी तबीयत ठीक हो जाए तुम्हारी, जाके काम करो, सब लोग जुटो, इलाज कराओ, इलाज करा के प्रचार करो।